subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary. And in this video I will discuss about the Friedel-Crafts alkylation, and there is a most important topic of the organic chemistry in the बेंजीन और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द बेंजीन. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इस टॉपिक से जो है फ्रिक्वेंटली आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या फिर आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. सो एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक. सो नाउ लेट डिस्कस अबाउट द टॉपिक. सो फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, जो कि एक तरीके से बेंजीन का जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसके अंडर में आते हैं. बेंजीन बेसिकली आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है. तो ये जो रिएक्शंस हैं फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, वो भी एक तरीके से बेंजीन का ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है. मीन्स इसमें भी जो आपके इलेक्ट्रोफाइल हैं वो इलेक्ट्रोफाइल इस पर एक्सचेंज होते हैं आपके बेंजीन और आपके एल्किल हैलाइड के बीच में. मीन्स इसमें जो मेन रिएक्टेंट क्या होंगे आपके एल्किल हैलाइड. इस टॉपिक के बारे में वीडियो जो हमने ऑलरेडी बना चुके हैं आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर में, इसमें हम नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, आपके हेलोजिनेशन, फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन के बारे में. लेकिन ये जो वीडियो स्पेसिफिक इसलिए है क्योंकि कुछ पॉइंट्स हैं और जो आपको जानना जरूरी है, जिसमें आपके जो सिलेबस हैं उसमें आपके रिएक्शन ऑर्डर भी हैं और कुछ आपके ड्रॉबैक और लिमिटेशन भी हैं जो कि हम और इसमें एडप्ट किए हैं. तो इसलिए ये वीडियो और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो बात करें हम लोग इनके रिएक्शन की, तो बेंजीन्स में होते हैं तो बेंजीन हम लेंगे ही, और जो आपका रिएक्टेंट है वो क्या होगा आपका एल्किल हैलाइड. तो एल्किल हैलाइड मतलब आरएक्स जो है मस्ट बी एल्किल हैलाइड. ये एल्किल हैलाइड होना जरूरी है, चाहे वो ब्यूटाइल हो, प्रोपाइल हो, इथाइल हो, मिथाइल हो. लेकिन आपके एलाइल या विनाइल जो है हैलाइड जो है हम यूज़ नहीं कर सकते. तो वो आपका एक लिमिटेशन है कि इसमें हम केवल एल्किल हैलाइड ही यूज़ करेंगे, हम एलाइल हैलाइड वगैरह यूज़ नहीं कर सकते. ठीक. सेकेंड है बात करें हम लुईस एसिड की, तो उसमें AlCl3 है जो कि एक तरीके से आपका कैटलिस्ट की तरह काम करता है. और इस एसिड के प्रेजेंस में जो है आपके जो एल्किल हैलाइड है उसका बनता है आपके इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट्स होते हैं. अब ये जो है जब कार्बोकेटाइन बनेंगे आपके एल्किल हैलाइड, ये आपके इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये जो R प्लस है वो कार्बोकेटाइन्स बनेंगे. इसका मतलब क्या होगा, उसमें रीअरेंजमेंट होगी. ये सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. तो अल्टीमेटली इसमें जो है आपका R जो है जो एक साथ में एक्सचेंज होगा, तो वो एक तरीके से मेन रिएक्शंस हैं. ये बेंजीन है, ये क्या बनेगा आपका मिथाइल बेंजीन या एल्काइल बेंजीन, चाहे वो आपके टोलुइन हो या आपके मिथाइल हो या फिर आपके आपके इथाइल बेंजीन हो. ठीक है. अब आते हैं कैटलिस्ट हो गया लुईस एसिड. इसके केस में जो बात करें कैटलिस्ट के केस में, और बहुत सारे कैटलिस्ट हैं जैसे कि बात करें FeCl3, जेडन जिंक क्लोराइड या फिर BF3, तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं. तो उसकी भी एक अच्छी खास बात है, प्रॉपर्टीज़ हैं आपके, खासकर ZnCl2 और FeCl3 के साथ में. उसको भी हम आगे बात करेंगे उसके इस पॉइंट पे, आपके लिमिटेशन पॉइंट पे. तो ये आपके कैटलिस्ट हैं. सेकेंड आपका कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट इसमें होगा. इसका मतलब आपका जब पहला जो स्टेप है वो क्या बनेगा आपका फॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल. तो इलेक्ट्रोफाइल जब बनेगा तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग कंपाउंड्स या एलिमेंट्स. तो ये एक तरीके से जो इलेक्ट्रोफाइल है, अब ये जो हैं मिथाइल इथाइल जो भी हो सकते हैं, तो इसमें होते हैं रीअरेंजमेंट. ठीक है. जब ये रिएक्शंस होते हैं तब इसमें होंगे रीअरेंजमेंट. अगर वो मिथाइल हुआ CH3 तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हो सकता है. अगर वो आपके इथाइल हुआ तो भी दिक्कत नहीं है, दोनों प्राइमरी कार्बोकेटाइन हैं तो कोई इशू नहीं है आपके. फिर आप कहते हैं प्रोपाइल, तो CH2 CH3 CH2 CH2 Cl मीन्स प्रोपाइल क्लोराइड. इसके साथ में दिक्कत ये होगी कि जब ये रिएक्ट करेगा इस कंपाउंड से तो आपके AlCl4 अलग हो जाएगा और ये बनेगा आपका कार्बोकेटाइन. लेकिन जो है ये एक तरीके से अनस्टेबल हैं, ये अपने स्टेबिलिटी की ओर जाएगा और इसमें रीअरेंजमेंट होंगी. रीअरेंजमेंट होंगी तो जाहिर सी बात है जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है वो मोर स्टेबल होता है आपके प्राइमरी से. तो इस कंडीशन में जो ये जो शिफ्टिंग होती है उस वजह से जो है ये बनता है आपका ये CH3 CH+ CH3. तो ये फिर आपके कंपाउंड जो हैं एडप्ट होंगे इस कंपाउंड में और बनेंगे क्या बनेंगे आइसोप्रोपाइल बेंजीन या फिर क्यूमिन, जिसको हम बोलते हैं क्यूमिन. ठीक है. तो ये इसमें होती हैं. सेकेंड अगर हम टर्शरी ब्यूटाइल लें तो इस तरीके से
तो ये बनेगा, तो जो कि बहुत ही टर्शरी का कार्बोकेटायन है, जो कि बहुत ही स्टेबल है, इजिली बन जाएगा और इजिली ये रिएक्ट कर जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो है आपके एन प्रोपाइल या एन ब्यूटाइल पॉसिबिलिटीज नहीं है, क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट होती हैं। तो ये होगी आपका सेकेंड लिमिटेशन कि इसके साथ में जो है हम एन प्रोपाइल बेंजीन या एन ब्यूटाइल बेंजीन नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें आपकी रीअरेंजमेंट होती हैं। लेकिन लेकिन अगर हम LCl3 यूज़ कर रहे हैं, तब अगर हम LCl3 के अलावा जो जिंक क्लोराइड हैं या FeCl3 हैं, फेरिक क्लोराइड हैं, उनका यूज़ करेंगे तो वो रीअरेंजमेंट नहीं होगी, क्योंकि वो सब क्वार्टेट बॉन्ड्स बनाएंगे इनके बीच में, मतलब ये कम्प्लीटली जो है क्लोराइड आयन को नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, और ये अल्टीमेटली क्या बनाएंगे, ये एक तरीके से CH3, हाँ चलिए RHCl लिख देते हैं इसको। तो जो है आपके CH3, CH2, CH2, Cl और FeCl3, तो वो कम्प्लीटली जो हैं आपके अलग नहीं होंगे, यहाँ पे आपके पार्शली पॉजिटिव होगा और यहाँ पे आपके पार्शली नेगेटिव होगा। तो इस तरीके से फॉर्म होता है, इसलिए जो है आपके जिंक क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड के साथ में एन प्रोपाइल बेंजीन या फिर एन ब्यूटाइल बेंजीन पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, तो ये एक कुछ स्पेसिफिक पॉइंट हैं इस टॉपिक को लेकर, ये हो गया। अब आते हैं इसके स्टेप में, तो पहला स्टेप क्या था, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो अल्टीमेटली इसमें जो RX है या फिर आपके मिथाइल क्लोराइड है इसके केस में, या फिर आपके एल्किल क्लोराइड है, तो उस केस में LCl3 करेगा और Cl4 आ जाएगा, ये आपका एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और ये आपके इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि आपके बेंजीन में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अधिक होते हैं, तो वो इजिली अपने अट्रैक्ट करेंगे इस इलेक्ट्रोफाइल को और वो एडप्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो है ये एक तरीके से कार्बोनियम आयन बनेगा आपकी बेंजीन रिंग में, और वो रेजोनेंस हाइब्रिड के थ्रू स्टेबलाइज होगा। तो अल्टीमेटली फिर क्या होगा, जो सेकेंड जो आपकी ये सेकेंड स्टेप है, थर्ड स्टेज में क्या होगा, लिविंग ऑफ द या लॉस ऑफ प्रोटॉन आयन। तो इस केस में जो है आपके जो एच आयन का जो बॉन्ड है वो एरोमेटिसिटी मेंटेन करने के लिए वापस एरोमेटिक रिंग को दे देगा, और ये आयन जो है जो न्यूक्लियोफाइल है जो कि ये है, उसके साथ में अटैक होगा और बनेगा HCl और AlCl3, और जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा आपका, मिथाइल या फिर एल्काइल बेंजीन। वो मिथाइल बेंजीन हो सकता है जिसको बोलते हैं टॉलविन, या फिर होगा इथाइल बेंजीन होगा, या फिर आपका आइसोप्रोपाइल बेंजीन होगा जो कि बोलते हैं क्यूमिन, या फिर कुछ भी हो सकता है। तो ये बेसिक रिएक्शंस हैं, बेसिक प्रॉपर्टी हैं। बात करें हम रेट ऑफ रिएक्शन की, तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक तरीके से ये जो स्टेप है वो एक तरीके से रेट लिमिटिंग स्टेप है। जो सबसे स्लोएस्ट प्रोसेस होता है किसी भी रिएक्शन का, वो होता है आपका रेट लिमिटिंग स्टेप। तो इस केस में जो है जो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है वो सबसे स्लोएस्ट है। तो जैसे हम जानते हैं, चूँकि जो आपकी रिएक्शन की जो ऑर्डर है आपकी एल्किल हैलाइड का, वो एल्किल आयोडाइड का अधिक होता है एज कम्पेयर टू द एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल क्लोराइड या एल्किल फ्लोराइड। लेकिन क्योंकि जो आयोडीन, या बात करें हम लिविंग ग्रुप की, तो लिविंग ग्रुप में जो है लिविंग ऑर्डर में आई मोर देन बी आर देन क्लोराइड देन फ्लोराइड होता है। लेकिन जो रिएक्शन ऑर्डर है इसके केस में, क्योंकि यहाँ पे जो है हमको जो ये जो एक्स है, ये जो एक्स है या हैलाइड है, उसको इलेक्ट्रॉन देना है, उसको पॉजिटिव लेना नहीं है, देना है, अपने आप को देना है, क्योंकि आपका जो फ्लोराइड है सबसे छोटा होता है, उसका ऑर्बिटल होता है, तो वो इजिली अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, जल्दी दे सकता है। इसलिए जो है जो रिएक्शन ऑर्डर है जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा और होगा आपका फ्लोराइड मतलब एल्किल फ्लोराइड मोर देन एल्किल क्लोराइड मोर देन एल्किल ब्रोमाइड मोर देन एल्किल आयोडाइड। और बात करें हम लोग एल्किल हैलाइड के जो अलग डेरिवेटिव्स हैं, तो जाहिर सी बात है जो मिथाइल है या फिर RX में जो बात करें, तो जो आपके कार्बोकेटायन हैं तो उनकी स्टेबिलिटी भी डिपेंड करता है, जो आपके टर्शियरी हैं वो बेटर तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी और प्राइमरी। तो ये उसके बेसिक रिएक्शन ऑर्डर हैं। अब बात करते हैं उसके लिमिटेशन की या फिर ड्रॉबैक की। तो इस कंडीशन में जो है इसके साथ में हम जो हैं बेसिकली रिएक्शन को स्टॉप नहीं कर सकते, हो सकता है कि जो रिएक्शन आगे फॉरवर्ड होते जाएगा और ये जो बना हुआ है मिथाइल बेंजीन वो ट्राई मिथाइल बेंजीन या डाई मिथाइल बेंजीन में बन जाए, तो ये उसमें थोड़ा सा दिक्कत है, ड्रॉबैक है इस रिएक्शन का। सेकेंड है आपका इसके साथ में हम बेसिकली एन प्रोपाइल बेंजीन या बेंजीन डेरिवेटिव हम नहीं बना सकते हैं, तो हम क्या करते हैं जो एल्किल एल्कोलेशन है, सॉरी एल्किल प्रिडल क्रॉप एसाइलेशन है,
उसको हम यूज़ कर सकते हैं विद द क्लिंजन रिडक्शन के साथ में, या फिर हम जो आपके कैटलिस्ट है उसमें हम फेलरिक क्लोराइड या जिंक क्लोराइड एडप्ट करेंगे, ना कि हम AlCl3 यूज़ करेंगे, एल्युमिनियम क्लोराइड यूज़ करेंगे, तो उसको हम रिजोल्व कर सकते हैं। सेकेंड है आपका नॉट पॉसिबल इन एलिल क्लोराइड, क्योंकि एलिल क्लोराइड में नहीं होता, क्योंकि उसमें भी रीअरेंजमेंट और आपके रेजोनेंस होती हैं। सेकेंड है आपका जो फोर्थ है, नॉट पॉसिबल इन द नाइट्रोबेंजीन कंपाउंड और द अदर डी एक्टिवेटिंग बेंजीन रिंग कंपाउंड्स। तो ऐसे कंपाउंड्स जो कि बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं उनमें ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। बेंजीन के रिंग की एक्टिविटी होनी चाहिए उसको रिएक्शन कराने के लिए, इसलिए जो नाइट्रोबेंजीन वाले कंपाउंड्स हैं उस पर नहीं होता। तो ये कुछ बेसिक ड्रॉबैक हैं आपके पिटल क्रॉप्ड एल्काइलेशन के। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स अबाउट द फिडल क्रॉप्ड एल्काइलेशन। बात करें हम लोग फिडल क्रॉप्ड एल्काइलेशन की, तो फिडल एक साइंटिस्ट अलग हैं और क्रॉप्ड अलग साइंटिस्ट हैं, मीन्स चार्ल्स फिडल एंड जेम्स क्रॉप्ड, ठीक है, जिन्होंने 1877 पे ये जो रिएक्शंस हैं उसको दिया था, डिस्क्राइब किया था। सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ फिडल क्रॉप्ड एल्काइलेशन, एंड इफ यू वॉन्ट टू नोट प्लीज टेक स्क्रीन शॉट, एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड, एंड एनी फीडबैक प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन, दैट मोटिवेट्स मी फॉर द अपकमिंग वीडियोज। इन लास्ट थैंक यू, कीप वॉचिंग।